अगर आपने वोमेन प्रीमियर लीग यानी WPL के पहला मैच नहीं देखा तो आपने एक बड़ा और रोमांचक मुकाबला मिस कर दिया। इसमें रोमांस है, तोड़फोड़ है, टेंशन है, ड्रामा है, कुल मिलाकर सब कुछ है। टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी दिल्ली की टीम पावर प्ले में एक विकेट के नुकसान पर सिर्फ 26 रन ही बना पाया। तीसरे ओवर के पहले बॉल पर शबनम मिश्रा ने अपने खतरनाक गेंदबाजी से स्टंप तोड़ दिया और आक्रामक बल्लेबाज शेफाली वर्मा 8 बॉल खेलकर 1 रन बनाकर आउट। ऐसा लग रहा था कि दिल्ली की टीम 100 के स्कोर तक पार नहीं कर पाएंगे, लेकिन पावर प्ले के बाद दिल्ली की टीम ने जबरदस्त बैटिंग की और टीम के स्कोर को 171 रन तक पहुंचाया। दिल्ली की ओर से एलिस केप्सी ने 75 रन की शानदार पारी खेली है। उन्होंने अपने पारी में 8 चौका और 3 छक्का लगाए हैं। उनके अलावा कप्तान मैक ग्लेनिंग 30 रन और जेमिमा रोड्रिक्स 42 रन की पारी खेली है। टारगेट का पीछा करते हुए MI की तरफ से शुरुआत बहुत ही अच्छा रहा, पावर प्ले में 50 रन बना दिया। इस मैच में दिल्ली की ओर से खतरनाक गेंदबाजी हुई है, जिसके चलते मैच के लास्ट ओवर में मुकाबला पूरी तरह फंस गया। ये लास्ट ओवर टेंशन से बड़ा पड़ा था। 6 बॉल पर MI को जीतने के लिए 12 रन चाहिए। एलिस केप्सी द्वारा फेंके गए पहले गेंद पर पूजा बस्त्रकर कैच आउट हो जाता है। दूसरे बॉल पर अमनजीत कौर 2 रन ले लेता है। उसके बाद तीसरे बॉल पर 1 रन लेकर कप्तान हरमनप्रीत कौर को स्ट्राइक देता है और चौथे बॉल पर हरमनप्रीत कौर चौका लगाकर मैच में वापसी कर लेता है। अब MI को जीतने के लिए 2 बॉल पर 5 रन चाहिए। पांचवी गेंद पर हरमनप्रीत कौर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में कैच आउट हो जाता है। अब MI को जीतने के लिए 1 बॉल पर 5 रन चाहिए। MI के खेमा पूरे टेंशन में है, फैंस काफी टेंशन में दिख रहे थे। ऐसे में साजना स्ट्राइक पर आई और पूरी तरह छा गई, छक्का लगाकर MI को मैच जिता दिया। दिल्ली कैपिटल्स के बॉलर एलिस केप्सी जीते हुए मैच हारकर बिल्कुल टूट पड़े और रोने भी लग गई और कप्तान मैक ग्लेनिंग उनको समझाते हुए दिखा गया। WPL का पहला मैच बहुत ही मजेदार रहा। अगर आपने नहीं देखा तो जियो सिनेमा में जाकर हाईलाइट देख लीजिए।